आग। ये किताब ये किसने ली? देखो काबिलियत बहुतों के पास होता है, सब लोग उनको साबित करने का मौका नहीं मिला। इंद्रामसित काव्य की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि काव्य कहेगी अपने बाप से कि अब बहुत हो चुका है ये सब कुछ, मैं मज़ीद ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती, आदि रोज़ ब रोज़ मेरी ज़िंदगी में ऐसे फैसले ले रहा है जो कि मेरे लिए मज़ीद बर्दाश्त के काबिल नहीं है, अब मैं नहीं चाहती कि मैं उस शख्स के साथ मज़ीद ज़िंदगी गुजारूँ क्योंकि वो शख्स इस काबिल ही नहीं है, ये ना हो कि आगे चल के मेरे लिए वो मज़ीद परेशानियाँ खड़ी कर दे। जिस पर काव्य का बाप कहता है कि तुम्हें फैसला लेने का पूरा इख्तियार हासिल है, लेकिन मेरी ये बात जान लो कि मैं पहले ही आदि को पसंद नहीं करता था, लेकिन अब मज़ीद इस तरह के हालात देख के तो मेरा भी दिल करता है कि वाकई तुम्हें अपना फ़ैसला वापस लेना चाहिए, लेकिन एक पत्नी होने की हैसियत से तुम्हें मज़ीद इस बारे में सोचना होगा, ऐसा ना हो कि मज़ीद तुम्हें कुछ अरसे बाद इस बात का एहसास हो कि तुमने वाकई ही फ़ैसला लेने में गलती की या कोई जल्दबाजी दिखाकर या मेरी वजह से तुमने आदि को अपनी ज़िंदगी से निकाल कर बहुत ही गलत फ़ैसला किया है, इसलिए इख्तियार का हक तुम्हें है। जिस पर काव्या कहती है कि मैं वाकई ही मज़ीद आदि के साथ नहीं रहना चाहती क्योंकि वो इंसान अब मेरी बर्दाश्त से बाहर हो रहा है, ऐसा ना हो कि मैं पागल हो जाऊँ।